नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज की सेवा में जो तन मन धन से लगे हुए हैं देशा जी और डॉक्टर एडवोकेट गीता जी। आप लोगों का एसएम न्यूज़ में स्वागत है सर। सुरेंद्र सिंह जी, आप एसएम न्यूज़ का हम आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं जी। दिशा जी, एक बात बताइए, आजकल जो बहुजन समाज की लड़ाई और जो मनु व्यवस्था की लड़ाई चल रही है वो क्या है, वो बताएं। ये बहुजन समाज की लड़ाई, मनु व्यवस्था की लड़ाई आज से नहीं है ये जी। इसको अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ये 5000 साल पहले की लड़ाई है जी। और 2500 साल से तो प्रमाणित है भगवान बुद्ध के समय से, जब हमारा देश के अंदर धर्म जोन स्थापित हुआ और संस्कृति वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश के अंदर जो एक ऊंच नीच और जो है एक लड़ाई रही है, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक लाइन में कहा है कि इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्ट्रगल बिटवीन द हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। यानी भारतीय जो इतिहास है, भारतीय इतिहास की जो लड़ाई है वो सिर्फ और धर्म और बुद्धिज्म और जो ना हिंदुवाद के एक बीच में एक संघर्ष है। और ये संघर्ष है क्योंकि यहाँ आपकी संस्कृतियों का टकराव है। संस्कृति यहाँ पे दो तरह की है, एक तो श्रमण संस्कृति है जो हमारे बहुजन समाज की संस्कृति है जो हमारे धम्मपद से शुरू होती है और हमारे राष्ट्रीय लास्ट में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर आकर समाप्त होती है। और एक संस्कृति इस तरफ जो ना दूसरी वर्ण व्यवस्था की संस्कृति है जो ब्राह्मणवाद की संस्कृति कह सकते हो और जो वर्ण व्यवस्था के पर आधारित है। तो उसके अंदर जो टकराव रहा है वो वैचारिक भी है, सांसारिक भी है और वो सामाजिक भी है, धार्मिक भी है और वो हर तरीके से जो है ना एक लेवल पर आके कहीं टकरा जाता है। कारण ये है कि जो संस्कृति श्रवण संस्कृति है वो बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, सबके सहयोग की बात करता है, मैत्री करुणा शील प्रज्ञा की बात करता है। और जब हम दूसरे वर्ग में हम देखते हैं तो वहाँ पे वही हम देखते हैं ऊंच नीच है, भेदभाव है, जात पात है, एक दूसरे के प्रति घृणा है, लोगों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर जाति धर्म के नाम पर बांटा गया है। तो इसलिए जो ये इतिहास के अंदर संघर्ष है ये बहुत पुराना है। इस संघर्ष के अंदर जो है ना हम लोग भी कहीं आज जो है श्रवण संस्कृति इतिहास को बनाने के लिए, बहुजन समाज के इस इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए और हमारे महापुरुषों और हमारे का योगदान और बलिदान को कहीं ना कहीं जीवित करने के लिए हम लोगों ने भी थोड़ा सा प्रयास किया है, जिसमें भारतीय संविधान सबसे महान है और उसके रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस विश्व के रत्न और भारत के सर्वोपरि हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम संविधान के माध्यम से देश में संस्कृति और इतिहास को बनाने के लिए और अपने आंदोलन और क्रांति को फैलाने के लिए, संविधान और बाबा साहब को सर्वोपरि बनाने के लिए निकले हैं और इस बीड़ा को लेकर इस देश में काम कर रहे हैं।